अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हसीब और आपके साथ मौजूद हूँ इस वक्त इरफान इंटीरियर कार एसेसरीज़ की शॉप पे, जो कि लोकेटेड है गुरु मंदिर पे। तो यहाँ पे ये लोग जो है वो सेल करते हैं और कस्टम मेड जो है वो इंटीरियर की चीज़ें बनाते हैं गाड़ियों की, जैसे कि सीट कवर हो गए। इनके पास बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल्स के सीट कवर मौजूद हैं, रेगजीन वगैरह, जैसा आप चाहें वैसा बना सकते हैं, कस्टम ऑर्डर पे भी बना सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं बताता चलूं कि यहाँ पे एक कस्टमर आए हुए हैं जो अपनी गाड़ी का काम यहाँ पे इनसे कराने आए हैं। आइए उनसे रिव्यू लेते हैं। अच्छा, ये हैं उस्मान भाई जो कि यहाँ पे काम कराने आए हैं इंटीरियर का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताएं, आप अपने गाड़ी में क्या काम करवाने आए हैं यहाँ पे? फिलहाल तो मैं फ्लोरिंग के लिए आया हूँ और इसके अलावा मैंने जो है सीट कवर बनवाने हैं। इस दुकान का आपको जो है किस तरह पता चला? आपने क्या सोचा कि यहाँ पे मैं आके इनसे काम करूं? मैं एक अपने दोस्त के रेफरेंस से आया हूँ, क्योंकि इनका काम अच्छा है, मुनासिब है। ठीक है, उस हवाले से मैं आया। तो इससे पहले जो है आपने इनसे काम करवाया कभी, या किसी आपके दोस्त ने, रिलेटिव ने काम कराया? हाँ, मेरे दोस्त ने काम करवाया जिसके रेफरेंस से मैं आया। ठीक है, तो जो है आपको यहाँ पे आके कैसा लगा? मतलब आप इनके काम से इम्प्रेस हुए अभी तक, या अभी क्या? फिलहाल तो मैं इम्प्रेस हूँ, क्योंकि रेट भी इनका मुनासिब है और काम अभी तक जो हो रहा है वो बेहतर है। कि सीट कवर बहुत अच्छे लगे हैं, चीज़ बहुत प्यारी है और मुनासिब रेट पर। तो ये थे उस्मान भाई जिन्होंने हमें अपना कस्टमर रिव्यू दिया। और अब जो है हम बात करते हैं इरफान भाई से, जो कि यहाँ के शॉप के ओनर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अल्लाह का शुक्र। इरफान भाई, मुझे ज़रा अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, ये शॉप कितनी पुरानी है, आप कब से काम कर रहे हैं और कितना टाइम हो गया आपको यहाँ काम करते? शॉप को तकरीबन 10 साल हो चुके हैं। पहले हम नुमाइश पे हमारी शॉप थी और पिछले 5-6 साल से हमने सीट कवर्स का काम तकरीबन बंद कर दिया, बंद करते जा रहे हैं, और अब तो तकरीबन हमने सीट कवर्स का काम बंद कर दिया है। अब हम जो ना कार इंटीरियर मॉडिफिकेशन की तरफ आ गए ना, मतलब अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे ना लेदर इंटीरियर मॉडिफिकेशन, ये समझिए थोड़ी सी अननोन सी चीज़ है पाकिस्तान के अंदर, बाहर मुल्कों में तो उसका बहुत ट्रेंड है। अब कि हम जो ना पूरी गाड़ी का इंटीरियर हम चेंज करते हैं, उसकी मॉडिफिकेशन कर देते हैं, जिसके अंदर गाड़ी की रूफ़ होती है, सीट्स होती हैं, बैटिंग होती है, डोर पैनल्स होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, तक 80% चीज़ें हम चेंज कर देते हैं। तो कंपनी कम से कम 1.5-2 लाख रुपए आपसे लेगी, सिर्फ कलर की थीम चेंज करने का, सब कुछ बाकी वही होगा। और हम वो काम कर लेते हैं 30-40 हज़ार रुपये। अच्छा, हम बनाते भी बिल्कुल जेन्युइन स्टाइल में, यानी हम यहाँ वीडियोस देखते हैं जिस प्रोसेस पे जेन्युइन सीट्स बनती है ना, यानी जेन्युइन इंटीरियर बनता है, जो भी तमाम चीज़ों का होता है, उसी प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं। तो काम करते हैं आप, इसकी कोई वारंटी वगैरह देते हैं? हाँ, वारंटी होती है, या आमतौर पर 4 से 5 साल तक कुछ भी नहीं होता। और हमने बाहर एक बोर्ड भी लगाया हुआ, वो आप दिखा भी दीजिएगा, कि किसी भी किस्म की कंप्लेन होने की सूरत में बराए मेहरबानी कवर आप ये जो सीट्स हैं या कुशन जो हैं ये आप वापस ले आए। ये चीज़ एक बहुत अच्छी है, और मैं तो मतलब कहता हूँ कि यार आजकल का दुकान पे मैं जाता हूँ कोई चीज़ लेने और वापस जाता हूँ कि भाई ये मुझे चीज़ नहीं चाहिए, मतलब वो चीज़ सही है ना, मैंने खोली है ना यूज़ करी है, और मैंने कहा कि यार मुझे समझ में नहीं आ रही है ये वापस कर लो, तो बहुत नखरे करते हैं। लेकिन ये बोल रहे हैं कि आप यूज़ करें और वो ख़राब हो जाए, बराए मेहरबानी का लफ्ज़ हमने लिखा है, आप बाहर बोर्ड पढ़िएगा जाके। अच्छा, यहाँ पे एक और जो है मेरे साथ कस्टमर मौजूद हैं जो इनके पुराने हैं, उनसे थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं, उनके उनका देखते हैं वो क्या बताते हैं हमारे हमें इस शॉप के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वाले सलाम सर, क्या नाम है आपको? सैयद हसन शाह। हसन शाह जी, हसन शाह। हसन शाह जी, हसन शाह मुझे ये बताएं कि आप यहाँ इस शॉप पे कब से आ रहे हैं? यार वैसे तो तकरीबन हमारा 10 साल से इधर आना जाना है, जहाँ पे चांद या गुरु मंदिर पे दुकान बहुत मशहूर है। ठीक है, काम 2-3 साल से हम इससे काम करवा रहे हैं, नासिर भाई से। अच्छा अच्छा, आपके आपने कौन सी गाड़ियों में काम कराया? मैंने जलाई का करवाया, यूरोप का करवाया, ग्रैंडी का भी करवाया, आज भी स्ट्रिंग कवर का भी करवाया है, और अब तकरीबन विट्स आईजेट गाड़ी इनका मैंने करवाया। हमारा खुद ट्रांसपोर्ट का काम है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का तो लाजमत है, ट्रांसपोर्ट में गाड़ियाँ होती है, तो उनसे नासिर भाई से काम करा। हालांकि पहले क्वेटा में मेरे दोस्त, हम क्वेटा से काम कराते थे, हमने कहा शायद वो अच्छा काम होगा, कराची का इतना नहीं था। जब से फर्स्ट टाइम नासिर भाई से हमने काम किया, तो काम में इतना मजा था, हमको इतना अच्छा लगा, फिर हमारी गाड़ी कहीं और नहीं गई है। जो स्ट्रिंग के लिए छोटा कवर है, उसके लिए भी हम आते भी नेवल कॉलोनी से नासिर भाई के पास आते हैं। अच्छा। ग्रैंडी का सीट अभी बनाया 2 साल पहले। आप ये किंग और अभी भी ऐसा फ्रेश है जैसे उसकी कंपनी का फिटिंग में हुआ, और इंशाल्लाह इनका काम जो है नासिर भाई का, मैं ये अपने उससे बोल रही है, नहीं कि नासिर भाई की वजह से बोलूँ, कि मतलब ऐसे जैसे कंपनी का ओरिजिनल सेट उसमें हो, फिटिंग में हो, किसी को बता दो वो फर्क ही नहीं कर सकता है, वो तो जैसे कंपनी से आया हो फिटिंग में। तो जो आप इनके काम से मुतमइन हैं? मैं बहुत मुतमइन हूं। और आप रिकमेंड करेंगे और व्यूअर्स को कि ये वो भी इनसे काम कराएं? यार इंशाल्लाह, मैं नासिर भाई का अल्लाह अल्लाह के नीचे मैं जिम्मेवार हूं, कोई भी भाई हो आप बिल्कुल नासिर भाई से काम करवा लो। अच्छा, मेरे साथ यहाँ पे एक वर्कर मौजूद है जो कि यहाँ पे काफी टाइम से काम कर रहे हैं। सर आपका नाम जान सकता हूँ? अब्दुल हसीब नाम। अब्दुल हसीब जी, देखें मेरा नाम पता है आपको क्या?
मेरा नाम है अब्दुल असीम। तो इनका नाम भी अब्दुल असीम है। बड़ी खुशी हुई मुझे एक और हसीब से मिलकर। सर मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पे कितने टाइम से काम कर रहे हैं? मुझे तकरीबन इधर 8 ईयर्स हो गए। 8 साल हो गए। 8 साल से आप ये जो है सीट कवर वगैरह का काम कर रहे हैं? इसी शॉप पे काम कर रहे हैं जी, इसी शॉप। अच्छा अच्छा, तो आप क्या क्या काम करते हैं पूरे दिन में? मेरा काम सिर्फ कटिंग सिलाई का है, बाकी गाड़ियों को लोड होता है तो फिटिंग वगैरह भी करनी पड़ती है वैसे। अच्छा, तो सिर्फ मशीन का काम है आपका? जी, मशीन का काम है। ठीक है, ये क्या अभी क्या कर रहे हैं आप? ये अभी ये गाड़ी की सीट बनाना था, केबल गाड़ी हमारे पास आई है। ठीक है, तो उसका हम लोग स्टिचिंग कर रहे हैं। सही है, तो ये सीट कवर तैयार हो रही है? जी, अभी तैयार हो रहा है। अच्छा, कस्टम ऑर्डर है इसका मतलब है? जी जी। अच्छा अच्छा, यहाँ पे आपको काम करके कैसा लग रहा है? अच्छा लगेगा, जाहिर सी बात है, एक ही जगह काम करता मैं शुरू से। खुश हैं आप यहाँ पे? जी जी, शुक्र। कोई इरफान भाई से कोई मसला है आपको? नहीं नहीं, इरफान भाई से मसला नहीं है। कैसे इरफान भाई? सही है माशाल्लाह, मौजूद है नासिर भाई जो के एक और जो है इरफान भाई के साथ होते हैं और वो भी इस शॉप के ओनर है, काफी टाइम से काम कर रहे हैं। आइए उनसे जरा थोड़ी सी जानकारी लेते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। नासिर भाई थोड़ा सा मुझे जरा बताएं, आप कितने टाइम से यहाँ पे काम कर रहे हैं? मेरे को भाई तकरीबन 22 साल हो गए इस फील्ड में। 22 साल से मैं इस फील्ड को चला रहा हूँ काम को। अच्छा नासिर भाई, मुझे ये बताएं कि जो लेदर इंटीरियर मॉडिफिकेशन है, इसके अंदर क्या क्या मटेरियल यूज करते हैं आप लोग? देखिए, ये कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट पे होता है, किसी को हल्का चाहिए, किसी को भारी चाहिए, तो इसमें मुख्तलिफ तरह के रेक्सिन होते हैं। इसमें आर्टिफिशियल लेदर होता है, प्योर लेदर होता है, जापनीज रेक्सिन होता है, और इसके अलावा फिर वेलवेट होता है। ये वेलवेट भी इस्तेमाल होता है ना, जैसे ये आपकी पीछे सीट पड़ी हुई है, ये हमने इसी तरह से बनाई है, ये आर्टिफिशियल लेदर में तैयार है। ये सिविक है 95। ठीक है, लोग और क्या क्या, ये जो आपने सीट का बताया इसके अलावा और क्या करते हैं आप लोग? देखिए, इंटीरियर के अंदर कस्टमर जैसे जैसे हमें काम बोलता है कि जैसे किसी को सिर्फ सीट कवर्स का ही काम कराना है, यानी कि उन्होंने सीटें बनानी है, किसी ने पूरा रूम बनाना होता है। अब रूम के अंदर जो है छत हो जाती है, ऊपर की रूफ होती है और डोर पैनल होते हैं, सीटें होती हैं, नीचे का फ्लोर होता है, ये पूरा रूम बनता है ना। अब जैसे कस्टमर्स की डिमांड होती है उसके हिसाब से काम करके देते हैं। हर आदमी इंटीरियर मॉडिफिकेशन नहीं कराता, क्योंकि नॉर्मली नई गाड़ियाँ होती है तो उसके अंदर सिर्फ सीट कवर्स वगैरह की ज़रूरत होती है, उसमें इंटीरियर मॉडिफिकेशन नहीं होता। थोड़ा बहुत चेंजिंग करने के लिए आप डोर पैनल को बना सकते हैं या छोटी मोटा टच दे सकते हैं उसके अंदर।